दोस्तों गुड मॉर्निंग सब लोग को। अभी फिलहाल मैं निकल रहा हूँ ढेंकानाल से। अभी मैं जा रहा हूँ भुवनेश्वर, थोड़ा सा काम है भुवनेश्वर पर। कल हमारा यहाँ पर एनिवर्सरी था, जैसे आपको मालूम होगा। रात में थोड़ा सा पार्टी हो रहा था, इसलिए मैं ढेंकानाल में रुक गया। आज निकल रहा हूँ, थोड़ा सा जाएंगे भुवनेश्वर, मेरा काम है, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा घर। और एक बात सोच रहा हूँ, ऐसे इस रूट में जा रहा हूँ तो सोच रहा हूँ सप्तशज्या जाके थोड़ा सा घूम लूँ, उसके बाद निकल जाऊँगा। थोड़ा सा आप लोग भी घूम जाएंगे सप्तशज्या। टाइम तो फिलहाल मेरे पास है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। डायरेक्ट मैं गांव जाना था, लेकिन थोड़ा सा काम आ गया। उस गांव जाने के टाइम में मैं सोच रहा था हमारा कपिलास घूम के जाऊंगा, लेकिन मुझे यहां पर जाना है। जैसे यहां से हो के जा रहा हूं तो सप्तशज्या घूम के निकल जाऊंगा। यहां से ढेंकानाल से करीब सप्तशज्या 5 या 6 किलोमीटर के आसपास होगा। बहुत दिन पहले कार लेके आए थे, लेकिन यहाँ पर पहुँचते शाम हो गया, इसलिए कुछ भी घूम नहीं सकते, ऐसे ही निकल गए। और आप लोग का क्या हालचाल है वो कमेंट करके बताना, क्योंकि यहाँ पर गूगल मैप इतना धोखा देता है ना, मत बोलो। गूगल मैप आगे जाके बोलेगा राइट साइड जाना है, लेकिन उस राइट साइड मत जाना। अभी यहाँ से राइट साइड जाएंगे, क्योंकि ये छोटा सा गांव क्रॉस करने के बाद आ जाएगा सप्तशज्या का रोड। इस रोड का आप लोग थोड़ा सा स्पीड कम करके जाना, क्योंकि गांव के अंदर जाएंगे, इसी एक ही रोड है। चलो मिलते हैं आगे। अभी मैं आके सप्तशज्या में पहुंच चुका हूं। लगभग यहां से 1 किलोमीटर आगे आ जाएगा शायद सप्तशज्या। रोड तो बहुत सुनसान है, क्या होगा तो आगे जाके पता चलेगा, हमको जाने देंगे या नहीं। बंद होगा तो नहीं जाने देंगे, खुला होगा तो जाने देंगे। आगे जाके पता चलेगा क्या होने वाला है हमारे साथ। ये रोड जंगल के अंदर, शायद कुछ लोग यहाँ पर रह रहे हैं। मंदिर भी एक है। बोल रहे हैं तो जा पाएंगे, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आप लोग आके पिकनिक बना सकते हैं, बहुत अच्छा प्लेस है। नवंबर दिसंबर टाइम में यहाँ पर बहुत भीड़ रहता है। हम लोग उस दिन आए थे, यहीं से कार घुमा के निकल गए। भाई साहब क्या नजारा है, बहुत स्टीप चढ़ाई है। ओ अमेजिंग,
शायद कितना ऊपर जा सकते हैं पता तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम ओ तेरी मार डाला। इसके ऊपर हमको पैदल जाना पड़ेगा। जाएंगे थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे। क्या करना है, चलते हैं। मंदिर होगा तो नहीं जाएंगे, लेकिन पास से घूम के आते हैं। गाड़ी का हैंडल लॉक करते हैं, निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। शायद ऊपर एक झरना होगा, क्योंकि यहाँ से फ्लो होकर आ रहा है। जय श्री राम। इसका स्टोरी क्या है, कैसे बना सप्तशत, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, आप लोग वहां पर जाके पढ़ सकते हैं। भाई साहब कितना ऊपर जाना पड़ेगा, मेरे से तो नहीं होगा इतना, और ऊपर होगा तो। थोड़ा सा यहीं पर बैठ जाते हैं, उसके बाद जाएंगे। भाई साहब और कितना ऊपर जाना पड़ेगा तो पता नहीं, चलो ऊपर चलते हैं। मंदिर तो आगे दिख रहा है, साउंड सुन सकते हैं कैसे साउंड हो रहा है यहाँ पर जंगल के अंदर। कोई भी यहाँ पर नहीं है, शायद ये एक छोटा सा कुंड है। देख सकते हैं कौन सा कुंड है मुझे पता नहीं, जिसको मालूम होगा कमेंट करके बता देना। आगे आ गया मंदिर, चलते हैं आगे। चल रहा है वाटरफॉल्स कहाँ पर है, लेकिन साउंड उस साइड से आ रहा है। लेकिन जाने के लिए कहाँ पर रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं रिस्क लेके नहीं जा रहा हूँ। कभी आएंगे यहाँ का लोकल बंदे के साथ आएंगे, कभी घूम के जाएंगे। चलो अभी चलते हैं यहाँ से, आप लोग शायद घूम गए होंगे सारे नज़ारा। चलो चलते हैं, नीचे एक छोटा सा वाटरफॉल से वहीं पर चलते हैं। जिसको भी यहाँ पर आना चाहते हैं, मैं यहाँ का पंडित जी के साथ बात किया, आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। उनके नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। वो कहना चाहते हैं अभी लॉकडाउन के वजह से कोई भी नहीं आ रहे, जो भी इंटरेस्टेड है यहाँ पर आने के लिए, किसका आप पूजा करने के लिए, आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर और भोग चढ़ा के जा सकते हैं। आपके साथ थोड़ा सा सामग्री ले आना, जैसे प्रसाद पाने के लिए चावल ऐसे कुछ। आप लोग यहाँ पर आके पंडित से बात करके
यहाँ पर भी रात में रुक सकते हैं और खाना पीना करके भी जा सकते हैं। उनके कहने से ये जो प्लेस है हमारा रामायण से कनेक्ट है। बहुत यहाँ का हिस्ट्री ये है कि जब भी श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण जा रहे थे यहीं पर रुक के गए थे आगे, इसलिए यहाँ पर यहाँ का जो राजवाटी है, जो किंग है उस टाइम वो यहाँ पर आके मंदिर बना है। ये है यहाँ का स्टोरी सप्तसज्या का। अभी नीचे छोटा सा वाटरफॉल से वहाँ पर चलते। पंडित जी के कहना का मतलब आप अभी ऊपर मत जाइए क्योंकि रोड इतना अच्छा नहीं है और एक बार थोड़ा सा साफ नहीं हुआ है क्योंकि लॉकडाउन वजह से कोई काम करने के लिए भी नहीं आ रहा है, इसलिए बोल रहे हैं आप लॉकडाउन के बाद कभी आइए, रोड खुल जाएगा, आप लोग वाटरफॉल्स देखने के लिए जा सकते हैं। लेकिन मैं भी बोलूँगा आप लोग जिसको भी अभी आना चाहते हैं आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, घूम के भी जा सकते हैं यहाँ पर। चलो अभी तो नीचे आ गए, मिलते हैं बाइक पर। और एक बात कहने के लिए मैं भूल गया था, यहाँ का नाम क्यों सप्तसज्या रखा गया है, इसलिए रखा गया है यहाँ पर चारों दिगों में 7 पहाड़ है, इसलिए इसका नाम सप्तसज्या रखा गया है। मैं शायद ये जानकारी अभी पंडित जी मुझे बताए, और आप लोग को शायद कुछ भी जानकारी होगा मुझे कमेंट करके भी बताना। और मैं उम्मीद करता हूँ इस वाला वीडियो आपको देख के अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना। और एक बात, बहुत सारा लोग आते हैं मेरे चैनल में व्यू वीडियो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को अब तक 90% लोग सब्सक्राइब नहीं किए, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। चलो मिलते हैं और किसी दिन और किसी जगह बहुत जल्दी।